आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं कि बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हम लोग के बड़े भाई ललन मिश्र जी पर किया आपने, और सीएमओ साहब से माला पहना के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से माननीय सीडीओ साहब का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच एडी साहब और जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जनपद के प्रथम नागरिक भी मौजूद हैं, आप उनको भी माला पहना के उनका स्वागत करें। भाई ओम प्रकाश वर्मा जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बंदन करें। मैं मनपुर जायसवाल हंगामा टाइम से, मैं श्रीनगर जिले के पटवाना रविनगर 20 में मौजूद हूँ। यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य मेला जिसका उद्घाटन उसी नगर के सांसद विजय दुबे जी ने किया है। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग से बातचीत होती है। क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? निःशुल्क दवा लेने। क्या आप इसे संतुष्ट हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं। आप क्या करने आए यहाँ पे? राधे श्याम आंगनबाड़ी का। आप ये जो निःशुल्क मेला जो लगा हुआ है स्वास्थ्य मेला, इससे आप संतुष्ट हैं? कुर्सियाँ हैं, सभी लोग बैठ जाएं। हाँ माई भी बैठ जाओ। हाँ कहत रही कब वहाँ के आई थी, आई गई नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माई हुआ हजन पियर की साड़ी में दिया तेरा माई माँ के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। इसलिए हम माओ की संख्या बहुत ज्यादा है, माए हैं, और सीधे सीधे आदेश का पालन करते हुए कि उद्घाटन भी हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, सारे स्टालों का माननीय मुख्य महोदय ने, सांसद महोदय ने अवलोकन भी किया, निरीक्षण भी किया। निर्जन करने के बाद मंच पर विराजमान है। सबसे पहले मैं सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा। शुभारंभ शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय श्री ललन मिश्र जी, कुशीनगर जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जय प्रकाश शाही जी, और जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य मेला का यहां आयोजन हो रहा है, जिला अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एसपी सिंह जी, प्रेरणा से सभी जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कुशीनगर में भी 14 और 15 दो दिन का आयोजन किया गया है। इसमें हर प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, और सभी लोग अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं। जो यहाँ पर परीक्षण नहीं हो सकता है या जो जिसके डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए उन्हें हायर सेंटर में भी यहाँ से रेफर किया जाएगा। अर्थात सभी रोगों के इलाज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर, दो दिवसीय संसदीय जो स्वास्थ्य मेला आयोजन किया गया है, इस सिलसिले में सर आप क्या? ये पूरे हर जिले में ये आयोजन हो रहा है, उसी क्रम में कुशीनगर में भी। और स्वास्थ्य मेला का आयोजन का उद्देश्य जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी, जितनी भी महत्वाकांक्षा योजनाएँ चला, एक तो उनका प्रचार हो, प्रचार प्रसार हो, गाँव के आम समाज तक जानकारी मिले कि इस जैसे आयुष्मान कार्ड
जैसे कन्या सुमंगला, ये सब योजनाओं का लाभ रजिस्ट्रेशन कराना, और फिर समाज में जागरूकता हो कि बीमार लोग किसी का ना अपने परिवार का भला कर सकते हैं, ना समाज का, ना राष्ट्र का, ना प्रदेश का। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था शुरुआत में कि स्वस्थ भारत ही मजबूत भारत की परिकल्पना हम लोग। सर, सरकार स्वस्थ योजनाओं पे अपनी नज़र रख रही है, इस नज़र रखने के बावजूद भी जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर कुछ ऐसे मामले नज़र आ रहे हैं जिससे जो है मरीजों को उत्पीड़न और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? फिर भी देखिए, जिस तरह समाज की जागरूकता में बदलाव आया जी, उसी तरह आप देखें तो हम लोग तो 20 साल से सामाजिक जीवन में हैं। हमें याद है पहले हम लोग बहुत आवाज़ इसके विरुद्ध उठाए कि अस्पतालों पर एक भी दवा नहीं मिलता, सारे के सारे दवाएं बाहर से आते। आज बदलाव आ रहा है, अब ज़्यादातर दवाएं अस्पताल से मिल रहे हैं, कुछ दवाएं जो नहीं है अस्पताल पर उपलब्ध वही बाहर से मंगाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी व्यवस्था है तो शिकायतें भी हैं, कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। कल की घटना है, संयुक्त जिला अस्पताल में एक फार्मासिस्ट के द्वारा सुविधा शुल्क के रूप में रिश्वत लेने के मामले में उजागर खुलासा हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे? उजागर हुआ है तो यहाँ जिलाधिकारी महोदय है, उनके खिलाफ कार्रवाई जहाँ भी आ रहा है तो इस तरह किया ही जा रहा है सर। लेकिन जिला चिकित्सालय की जो कमियों की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यहाँ पर जो पडौना में मेडिकल कॉलेज दिया, शिक्षण संस्थान हरखा की भूमि पर होगा, और 200 बेड देकर इसी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में बढ़ाया जाए। सर, सरकार इतनी योजनाओं को देने के बावजूद विभागीय डॉक्टर जो या अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग अलग से दवा लिख करके ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं 90%, इसका मतलब क्या है? जो सरकार दवाएं दे रही है कहा जा रहा है पर नहीं हम लोग भरोसा करते, शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगा जो आप कह रहे हैं, और बाकी सब ठीक है। आगे देश भी बढ़ रहा है, प्रदेश भी बढ़ रहा है, और ये कुशीनगर लोकसभा भी बढ़ रहा है। कल के अखबार में पढ़े आप लोग 982 करोड़ रुपया दिलवाए हम लोग गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक दोहरीकरण का, मेडिकल कॉलेज स्थापना हुआ है। हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं अप्रैल से मई तक डोमेस्टिक उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हो सके, सभी विकास कार्य बढ़े। तमाम जानकारी।